प्रथम तहलका न्यूज। करीब डेढ़ महीने से चल रहे सीआईडी विवाद के बाद आखिरकार गृह मंत्री अनिल विज से बुधवार देर रात सीआईडी वापस ले लिया गया है। बेशक सीआईडी विभाग अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है, लेकिन बतौर गृह मंत्री अनिल विज को सीआईडी ने ब्रीफिंग भी शुरू कर दी है। वहीं विज ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि सीएम सुप्रीम है, वे जिसे मर्जी चाहे विभाग दे सकते हैं। मेरी तो इतनी सी बात थी कि जब तक मैं गृह मंत्री हूं सीआईडी मुझे ब्रीफिंग करे। सीआईडी ने मुझे ब्रीफिंग शुरू कर दी है और इससे मैं संतुष्ट हूं। मैंने तो हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी सुप्रीम है, वो जिसको चाहे जो विभाग दे सकते हैं। मैंने तो कभी इतराज नहीं किया। मेरी तो केवल इतनी बात थी कि जब तक मैं गृह मंत्री हूँ तो सीआईडी डिपार्टमेंट मुझे ब्रीफिंग करे, और कल से उन्होंने करनी शुरू कर दी। मैं सेटिस्फाइड हूँ। सीआईडी अगर बिना गृह मंत्री ब्रीफिंग शुरू कर दी तो वो सफिशियंट है सर, है किसी के पास। मेरा कभी ये क्वेश्चन नहीं था। बता दें कि अनिल विज इस पूरे विवाद के दौरान अपने बयानों में हमेशा ये कहते नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री ही सुप्रीम है और वो सर्वोसर्वा है, वो जिसे चाहे जो विभाग दे सकते हैं और जो विभाग चाहे उसे अपने पास भी रख सकते हैं। मैंने तो हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी सर्वेसर्वा हैं, वो जब चाहे जिस डिपार्टमेंट का विभाजन करना चाहे विभाजन कर सकते हैं, किसी विभाग को लेना चाहे उस विभाग को ले सकते हैं। मैंने कभी इस बात पर एतराज़ नहीं किया, और कोई तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जब सर्वे सर्वा होता है तो बिना किसी उसके भी सारे अधिकारियों को वो डायरेक्ट आदेश दे सकते हैं, सारे अधिकारियों से डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। अब चर्चा है कि सरकार में विवाद और बढ़ना तय है, क्योंकि गृह मंत्री पहले ही ये कह चुके हैं कि सीआईडी के बिना पुलिस डिपार्टमेंट बिना कान नाक और आंख वाले इंसान की तरह है। ऐसे में अब विज के अगले कदम पर भी सभी की नजर रहेगी। सूत्रों का कहना है कि दो दिन पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने मुलाकात की थी, उसके 36 घंटे बाद ही एक्शन दिखने लगा। जबकि पहले सीआईडी अफसर ने विज को ब्रीफिंग की और शाम को जैसा वो चाह रहे थे उसके अनुसार वी उमाशंकर को उनके विभाग से हटाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका न्यूज़।